अगर मनोहर लाल खट्टर को हराना है, एक उम्मीदवार आएगा तो मनोहर लाल खट्टर किसी कीमत पे चुनाव नहीं जीतता। मैं किसी के घर पे नहीं जाता, इतने मूर्ख नहीं है। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ना देखते, खबरों में क्या रहा है ना देखते। अगर वो साझा उम्मीदवार नहीं उतारते तो इसका मतलब भाजपा से मिले हुए मनोहर लाल खट्टर का आसान उतारना चाहते। कांग्रेस के हुड्डा ने बारी बारी ये बात कही कि हम 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम है। कुरुक्षेत्र से भाग्य कि नहीं भाग्य, तीन लोग इनके जूत मारेंगे। जूत मारने शुरू कर दिए कि नहीं कर दिया? अरे तो जूत खाने वाले आदमी मेरे बारे में ये कहते हैं बड़ा मूर्ख है, तो बात करता हूँ कोई और बात करता जी। अबे जी, आप करनाल से साझा उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, कैसे क्या मतलब मनोहर लाल को हराने के लिए? ये जरूरी है, अगर मनोहर लाल खट्टर को हराना है तो फिर हर हालत में एक उम्मीदवार आना चाहिए। एक उम्मीदवार आएगा तो मनोहर लाल खट्टर किसी कीमत पे चुनाव नहीं जीतता, और अगर अलग अलग उम्मीदवार उतारोगे तो उससे नुकसान हो जाएगा। आपकी बात हुई है किसी नेताओं से? मैं किसी के घर पे नहीं जाता, मैंने तुम्हारे माध्यम से खुल करके ये बात कही है। वो कोई इतने मूर्ख नहीं है जो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ना देखते, खबरों में क्या रहा है ना देखते। अब फैसला उन्होंने करना है कि इसके लिए हमें क्या करना है। अगर वो साझा उम्मीदवार नहीं उतारते तो इसका मतलब भाजपा से मिले हुए मनोहर लाल खट्टर का आसान उतारना चाहते हैं। मैं कहूं भी कांग्रेस जो है केवल इनकी मदद करना चाहती है भाजपा, इसीलिए कांग्रेस के हुड्डा ने बारी बारी ये बात कही कि हम 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम है, अकेले लड़ने में सक्षम है। कुरुक्षेत्र से भाग्य कि नहीं भाग्य, अब यहाँ भी भागेंगे। आपके पास है कोई ऐसे उम्मीदवार का नाम जो मौजूदा पार्टियों की सहमति बन सकती है? मैं कहता हूँ रोड बिरादरी के किसी अच्छे आदमी को टिकट मिलेगी तो वो जीत जाएगी। आज दुष्यंत चौटाला का विरोध हो रहा है हिसार के नारदौन गांव में, किसानों ने जबरदस्त। मैंने पहले एक बात कही थी, तब तुम्हें शायद मेरी बात जस्ती नहीं थी। मैंने कहा था जिस दिन इनके साथ सिक्योरिटी नहीं होगी, पुलिस फोर्स नहीं होगी, उस दिन लोग इनके जूत मारेंगे। जूत मारने शुरू कर दिए कि नहीं कर दिए? आज गाड़ी जो थी वो भी लोगों ने छीन ली, पैदल निकलना पड़ा वहां से, किसी भी गांव में नहीं जा सकते। मनोहर लाल खट्टर भी बिना पुलिस फोर्स के बिना किसी गांव में नहीं जा सकते। बीजेपी का कोई नेता बिना पुलिस फोर्स के चुनाव मैदान में नहीं आ सकता। आएगा तो लोग सवाल करेंगे, लोग पूछेंगे कि किसानों पे लाठीचार्ज क्यों किया गया, किसानों को 13 महीने तक आंदोलन करने पे मजबूर क्यों किया गया। लोग ये पूछेंगे कि आपने किए हुए वायदे पूरे क्यों नहीं किए। लोग तसल्ली करा देंगे चुनाव में। अभी जी, जैसे दुष्यंत के 10 विधायक थे, भविष्य में आपके आ जाते हो, आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं फ्यूचर में या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? वो तो भाजपा के साथ ही है, अलग कब हुए हैं? भाजपा ने निकाल दिए, लेकिन आज भी सारे के सारे वही हैं, कोई उनसे अलग नहीं है। आपने सर 30 सीटें जीतने का दावा किया है, हिसार की, सिरसा की, कुरुक्षेत्र की। दुष्यंत चौटाला ने बोला है कि 1 लाख वोट लेके दिखा दे कुरुक्षेत्र। अरे तो जूत खाने वाले आदमी मेरे बारे में ये कहते हैं बड़ा मूर्ख है, तो बात करता हूँ कोई और बात करता जिसकी। जिनके लोग जूत मारे तू उनने लीडर माने, तो चाल मुझे बाजार में अकेले सारी जगह लेके घूम। मेरे को 100 आदमी राम राम करने वाले मिलेंगे, 100 आदमी मेरे माला डालने वाले मिलेंगे, 100 आदमी मुझे ठंडा गर्म पिलाने वाले मिलेंगे। किसी गांव में चल, किसी शहर में चल, किसी कस्बे में चल, और किसी अनजान जगह पे चल, इन लोगों को मेरी तरह खाली हाथ तू एक जगह भी ले जा, उन दोनों के बराबर के जूत लागे। वीरेंद्र मराठा आपके संपर्क में है जी कहीं ना कहीं? मैं संपर्क में तो नहीं है, लेकिन वो चुनाव लड़ने की इच्छुक है। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो मैं खुला समर्थन करूंगा। 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी इस बार लोकसभा में, क्या लगता है आपको? लोग जूत मारे तो 400 पार की बात करें। चलो, अगर मनोहर लाल खट्टर को हराना है, एक उम्मीदवार आएगा तो मनोहर लाल खट्टर किसी कीमत पे चुनाव नहीं जीतता। मैं किसी के घर पे नहीं जाता, मूर्ख नहीं है। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ना देखते, खबरों में क्या रहा है ना देखते।
अगर वो साझा उम्मीदवार नहीं उतारते तो इसका मतलब भाजपा से मिले हुए मनोहर लाल खट्टर का आसान उतारना चाहते। कांग्रेस के हुड्डा ने बारी बारी ये बात कही कि हम 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम हैं, कुरुक्षेत्र से भाग्य कि नहीं भाग्य, उस दिन लोग इनके जूत मारेंगे। जूत मारने शुरू कर दिए कि नहीं कर दिया? अरे तो जूत खाने वाले आदमी मेरे बारे में ये कहते हैं, बड़ा मूर्ख है तो बात करता हूँ, कोई और बात करता जी। अभी जी आप करनाल से साझा उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, कैसे क्या मतलब मनोहर लाल को हराने के लिए? ये जरूरी है, अगर मनोहर लाल खट्टर को हराना है तो फिर हर हालत में एक उम्मीदवार आना चाहिए। एक उम्मीदवार आएगा तो मनोहर लाल खट्टर किसी कीमत पे चुनाव नहीं जीतता, और अगर अलग अलग उम्मीदवार उतारोगे तो उससे नुकसान हो जाएगा। आपकी बात हुई है किसी नेताओं से? मैं किसी के घर पे नहीं जाता, मैंने तुम्हारे माध्यम से खुल करके ये बात कही है। वो कोई इतने मूर्ख नहीं है जो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ना देखते, खबरों में क्या रहा है ना देखते। अब फैसला उन्होंने करना है कि इसके लिए हमें क्या करना है। अगर वो साझा उम्मीदवार नहीं उतारते तो इसका मतलब भाजपा से मिले हुए मनोहर लाल खट्टर का आसान उतारना चाहते हैं। तो क्या अकेले के लिए नहीं जीत सकते सर खट्टर के सामने कोई बात? मैं कहूं भी कांग्रेस जो है केवल इनकी मदद करना चाहती है भाजपा, इसीलिए कांग्रेस के हुड्डा ने बारी बारी ये बात कही कि हम 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम है, अकेले लड़ने में सक्षम है, कुरुक्षेत्र से भागे कि नहीं भागे, अब यहाँ भी भागेंगे। आपके पास है कोई ऐसे उम्मीदवार का नाम, कोई मजबूत पार्टी की सहमति बन सकती है? मैं कहता हूँ रोड बिरादरी के किसी अच्छे आदमी को टिकट मिलेगी तो वो जीत जाएगी। आज दुष्यंत चौटाला का विरोध हो रहा है हिसार के नारदौन गांव में, किसानों ने जबरदस्त। मैंने पहले एक बात कही तब तुम्हें शायद मेरी बात जस्ती नहीं थी, मैंने कहा था जिस दिन इनके साथ सिक्योरिटी नहीं होगी, पुलिस फोर्स नहीं होगी, उस दिन लोग इनके जूत मारेंगे। जूत मारने शुरू कर दिए कि नहीं कर दिए? आज गाड़ी जो थी वो भी लोगों ने छीन ली, पैदल निकलना पड़ा वहां से, किसी भी गांव में नहीं जा सकते। मनोहर लाल खट्टर भी बिना पुलिस फोर्स के बिना किसी गांव में नहीं जा सकते। बीजेपी का कोई नेता बिना पुलिस फोर्स के चुनाव मैदान में नहीं आ सकता। आएगा तो लोग सवाल करेंगे, लोग पूछेंगे कि किसानों पे लाठीचार्ज क्यों किया गया, किसानों को 13 महीने तक आंदोलन करने पे मजबूर क्यों किया गया। लोग ये पूछेंगे कि आपने किए हुए वायदे पूरे क्यों नहीं किए, लोग तसल्ली करा देंगे चुनाव में। अभी जी जैसे दुष्यंत के 10 विधायक थे, भविष्य में आपके आ जाते हो, आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं फ्यूचर में या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं कुछ? वो तो भाजपा के साथ ही है, अलग कब हुए हैं, भाजपा ने निकाल दिए, लेकिन आज भी सारे के सारे वही हैं, कोई उनसे अलग नहीं है। आपने सर की सीटें जीतने का दावा किया है हिसार की, सिरसा की, कुरुक्षेत्र की, दुष्यंत चौटाला ने बोला है कि 1 लाख वोट लेके दिखा दे कुरुक्षेत्र। अरे तो जूत खाने वाले आदमी मेरे बारे में ये कहते हैं, बड़ा मूर्ख है तो बात करता हूँ, कोई और बात करता जिसकी। जिनके लोग जूत मारे तू उनने लीडर माने, तो चाल मुझे बाजार में अकेले सारी जगह लेके घूम, मेरे को 100 आदमी राम राम करने वाले मिलेंगे, 100 आदमी मेरे माला डालने वाले मिलेंगे, 100 आदमी मुझे ठंडा गर्म पिलाने वाले मिलेंगे। किसी गांव में चल, किसी शहर में चल, किसी कस्बे में चल, और किसी अनजान जगह पे चल, इन लोगों को मेरी तरह खाली हाथ तू एक जगह भी ले जा, उन दोनों के बराबर के जूत ला गए। रिंदा मराठा आपके संपर्क में है जी कहीं ना कहीं? मैं संपर्क में तो नहीं है, लेकिन वो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो मैं खुला समर्थन करूंगा। 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी इस बार लोकसभा में, क्या लगता है आपको? लोग जूत मारे तो 400 पार की बात करें।